आर द टू ब्लैंकेट आर मोर वार्म देन द सिंगल ब्लैंकेट ऑफ ए डबल द थिकनेस। अगर हमें एक कंबल दिया जाए और हमें दो पतले कंबल दिए जाएं और एक मोटे कंबल की जो वृत है वही दोनों पतले कंबल की वृत है, ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा गर्म रहेगा? दो वाला। तो आंसर है दो पतले कंबल ज्यादा गर्माहट देंगे एज कंपेयर टू किससे? सिंगल कंबल से, ब्लैंकेट से। क्यों? क्योंकि जब हम एक ब्लैंकेट को यहां से बिछाते हैं, ये एक पर्सन है सपोज टू बी, उसने एक ब्लैंकेट यहां से बिछाया, यूज किया, जैसे वो दूसरा ब्लैंकेट यहां पे लेकर आता है, उसके बीच में क्या आ जाती है? एयर आ जाती है। अब उसने दूसरा ब्लैंकेट यहां रख दिया, तो आपको पता है कि हीट कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट कैसे फ्लो करेगी? हमारी बॉडी से कहां जाएगी? बाहर जाना चाहती है, यहां से बाहर जाना चाहती है, लेकिन बाहर जाने के लिए बीच में कौन आ गया? एयर, एयर आ गई, और एयर इज द बैड कंडक्टर। तो एयर बैड कंडक्टर होती है, जो दो कंबल की लेयर के बीच में क्या आ गई? एयर। एयर क्या करती है? बैड कंडक्टर है। तो हमारी हीट को अंदर से सराउंडिंग में जाने से क्या करेगी? प्रिवेंट कर देगी। तो जब तक मेरी अंदर की हीट बाहर जाएगी नहीं, तब तक हीट में हमारी उसी कंबल के अंदर क्या रहेगी? इनसाइड द ब्लैंकेट ही क्या रहेगी? बनी रहेगी, जिससे हमें वार्मथ का एहसास ज्यादा होता है। सो दैट इज वाई वी प्रेफर द टू थिन ब्लैंकेट टू यूज एज कंपेयर टू द सिंगल ब्लैंकेट फॉर गेटिंग द वार्मथ।